राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियां की जा रही है। आपको बता दें कि आज शाम जयपुर पहुंचेंगे विशंबर शास्त्री। राजस्थान भारत जोड़ो यात्रा के चेयरमैन है विशंबर शास्त्री। 8 नवंबर को मीडिया से मुखातिब होकर भारत जोड़ो यात्रा के कार्यक्रमों की जानकारी देंगे। 3 दिसंबर को राजस्थान में प्रवेश करेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा सहित मंत्री विधायक कार्यकर्ता यात्रा की अगवानी करेंगे। और इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जयपुर से संवाददाता दशरथ सिंह मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दशरथ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर आज जयपुर पहुंचेंगे विशंबर शास्त्री, लगातार तैयारियां की जा रही है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों पर है। दिसंबर आज शाम को यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कल पीसीसी मुख्यालय में बैठक लेंगे, बैठक के बाद प्रेस मुख्यालय भी होंगे। और खासतौर से दिसंबर में राहुल गांधी की 30 दिनों की जो यात्रा है, पद यात्रा है, वो राजस्थान में प्रवेश करेगी। हालांकि उसका समय अभी तय नहीं है, 3 या 6 तारीख को ये झालावाड़ के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करेगी। और इस दौरान 3 से 4 बड़ी रैलियां राजस्थान में होंगी, खासकर भारत जोड़ो यात्रा को लेकर तैयारियां इसकी चल रही है। मुख्यमंत्री गहलोत और पीसीसी डोटासरा अगुवाई करेंगे। जब राहुल गांधी राजस्थान में स्टे करेंगे, उनका अगवानी करेंगे, स्वागत सत्कार होगा, उसी की तैयारियों में 90,000 दिसंबर आज जयपुर पहुंच रहे हैं। वो आज रात तो हो सकता है पीसीसी चीफ से मुलाकात करें, कल वो पीसीसी मुख्यालय बैठक लेंगे और यात्रा से जुड़ी जो बातें हैं वो मीडिया से साझा करेंगे। जी दशरथ, वही जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जब वो राजस्थान आ रहे हैं, तो इससे अगर यात्रा की बात की जाए या फिर राहुल गांधी के राजस्थान में आने की बात की जाए, तो राजस्थान की राजनीति पर क्या कुछ असर देखने को मिलेगा? देखिए, यात्रा 21 दिन का समय लगभग रखा कि 21 दिन तक ये यात्रा रहेगी। आज तो इसी यात्रा की तैयारियों के मद्देनजर और एक मीटिंग वो कॉल करके तमाम नेता कार्यकर्ता शामिल हैं। मुख्यमंत्री हालांकि गुजरात दौरे पर है, आज ही वो गुजरात बड़ोदरा पहुंचे। मुख्यमंत्री के साथ ऑपरेशन की बातचीत तक आने वाले दिनों में होगी, लेकिन तैयारियों को लेकर जो कार्यक्रम है वो शुरू हो गए हैं। और कल प्रेस ब्रीफिंग भी करेंगे जिसमें यात्रा को लेकर जानकारी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।